press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रिबाह इमरान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सॉरी, आपकी मदर की तबीयत क्या हुआ? आपने जैसे अभी बताया कि वो उनकी तबीयत नहीं ठीक है, क्या अभी आपने? अरे भाई भाई, मैं तो कभी कभी बीमार पड़ भी जाती हूँ, बट शी इज लाइक एकदम माशाल्लाह जबरदस्त। चले हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं और आज टॉपिक जो है वो बड़ा अजीब सा ही है। टॉपिक इसलिए अजीब है कि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हर सोसाइटी में होती है। चले कम्युनिटी आ गई, हम कहते हैं कि जेनोसाइड हुआ हिंदू कम्युनिटी के साथ, और मतलब बहुत सारी हर सोसाइटी में इस तरह हम चीज़ें देखते हैं। आज की खबर मैम कि टेम्पल्स को कनाडा में अटैक किया गया, क्या कहेंगे आप इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं? आखिर क्यों जो है खालिस्तानी जो लोग हैं वो इस तरह कर रहे हैं टेम्पल्स को तोड़ना, ये क्या सही है और क्या कहेंगे आप? देखिए रिबाह, सबसे पहले हमें क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। क्रोनोलॉजी ये कहती है कि खालिस्तानी जो एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत में पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है। उसकी मानसिकता मैं समझ गई, ठीक है, उसको भारत में पंजाब में खालिस्तान बनाना है, पर अमेरिका से बैठ करके बनाना है, कनाडा से बैठ करके बनाना है, पाकिस्तान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है, ईरान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? दिस इज नॉट पॉसिबल ना। अगर वाकई में निज्जर को, जसमित्ते को, पन्नू को, अगर वाकई में इनके पिछाड़ में ताकत है, अगर वाकई में इनको हिम्मत है, तो पंजाब आके दिखाओ ना, यहाँ पर बैठ करके खालिस्तान बनाने की कोशिश करो ना। भारत ने देखो रिबाह, टू बी वेरी फ्रैंक, और मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करती हूँ, ये सबको पता है, भारत ने ऑलरेडी ये नेहरू और जिन्ना की दोस्ती बोलो या सत्ता की लालसा बोलो या दुश्मनी बोलो, चाहे वो जो कुछ भी था नेहरू और जिन्ना के बीच में, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ भारत का हुआ था और जाने सिर्फ हिंदुओं की गई थी। क्या ये देश भूल चुका है? 42 लाख से ऊपर हिंदू जो कट के मर करके ट्रेन से आए थे, क्या भारत के हिंदू उसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। इंदिरा गांधी जी के वक्त में जो साधु स्लॉटर में हजारों साधुओं को मरवाया गया था, क्या वो भूल जाएंगे सनातन धर्म वाले? उसके बाद तमिलनाडु में 1550 के ऊपर तमिल्स का स्लॉटर हुआ, जो राजीव गांधी जी के का उस वक्त ईरा चल रहा था, तो क्या वो भी भूल जाएंगे लोग? राम मंदिर के वक्त में कितने ही संत और महंत को छाती पर गोली मारी गई है, तो क्या उसको भी हमारे भारत के हिंदू भूल जाएंगे? देखिए अब सिचुएशन भारत का ऐसा हो चुका है कि अब सिख बोलिए कोई और सनातन धर्म में जितने भी धर्म वाले आते हैं, जितनी भी जाति वाले आते हैं, पंजाबी बोलिए या क्षेत्रीय बोलिए या यादव बोलिए या पासी बोलिए या ब्राह्मण बोलिए, ये सब अब सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, वो है हिंदू। वो बस एक ही चीज को जानते हैं कि वो हिंदू हैं और इस देश को दोबारा कटने नहीं देंगे, दोबारा बंटने नहीं देंगे, इस देश के टुकड़े हम दोबारा नहीं करेंगे। एक तरफ जहां हमारे भारत में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जहां हम सबको एक संकल्प दिए हुए हैं अखंड भारत बनाने का, जहां हमारी आंखों में एक सपना है कि नेहरू की गलतियों को हम पूरा करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे, हम उस गलतियों को दुरुस्त करेंगे, जो नेहरू ने गलती की है हम उसको सुधारने की कोशिश करके, हम पीओके लेने की बात कर रहे हैं, हमने जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटा करके इतना खूबसूरत माहौल क्रिएट करके दिया है,
और उसके बाद फिर अगर कोई कनाडा में बैठ करके कनाडा का सिटीजन, अगर कोई अमेरिका में बैठ करके अमेरिका का सिटीजन अगर ये कोशिश करता है कि वो वहां पर टेम्पल्स पर मंदिरों पर वो मतलब उसको डिमोलिश करेगा या बारबरिक वायलेंस करेगा या एट्रोसिटी क्रिएट करेगा या मेंटल हैरेसमेंट हिंदुओं के ऊपर क्रिएट करेगा, तो उससे भारत के लोग डर जाएंगे या भारत की सरकार डर जाएगी? नो, नॉट एट ऑल. क्रिमिनल एक्टिविटीज और टेररिज्म एक्टिविटीज पर हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ना ले, लेकिन हमारे भारत की तरफ से निज्जर हो, पन्नू हो, जसमित्ते हो, इनको टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है. ये टेररिस्ट है हमारे भारत के हिसाब से. तो अब जस्टिन ट्रूडो पता नहीं क्या फायदा है उसको, क्या लालसा है उसको, हालांकि कनाडा के सिटीजन जो है वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो चुके हैं. कनाडा की जो अपनी अवाम है वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है. जस्टिन ट्रूडो की सरकार में जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है. जो अपोजिशन पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के विपक्षी दल है, वो कंप्लीटली जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है. और वो बार बार कह रहे हैं कि तुम भारत से अपने रिश्ते को ठीक करो. कनाडा की जनता कह रही है कि तुम भारत से अपने रिश्ते ठीक करो. ये जसमित्ते और पन्नू के चक्कर में, निज्जर के चक्कर में भारत से अपने रिलेशन को खराब करके कनाडा सिर्फ अपनी तबाही मचा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में एक बाप का पैदा है ये खालिस्तानी, तो पंजाब आकर के दिखाओ ना. मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सामने आने की जरूरत ही नहीं है, अकेला लॉरेंट बिश्नोई ही संभाल लेगा. अच्छा मैं क्या कहेंगे, अभी रिसेंट हमने पिछले दिनों एक खबर भी कवर की थी कि ट्रूडो जो है वो पाकिस्तान कह रही हूँ, इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे. और मतलब उनका एक बड़ा पॉजिटिव गेस्चर था कि वो वन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इस तरह की उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही थी. तो अब अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था कि फाइव आई और उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको पता चला था कि जो निज्जर की मौत हुई थी वो इंडिया के वजह से हुई थी, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि भारत ने प्रूफ मांगा. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रूफ मांगा कि प्रूफ दो और मुझे बंद कमरे में देने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया के सामने तुम दो प्रूफ. तो वो प्रूफ देने में नाकाम हो गया और एक साल भी गुजर गया उस बात को. तो उसने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे कनाडा की सरकार का और कनाडा की पुलिस का, ताकि वो उसके जो चिलगोदे हैं, उसके जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उसको उसके उसके अक्यूज्ड को, उसके मर्डरर को पकड़ा जा सके. तो भाई तुमने हाथ में, जस्टिन ट्रूडो ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या? हाथ में चूड़ियां अगर पहन रखी है तो वो भी बोल दो दुनिया के सामने कि तुमने चूड़ियां पहन रखी है. तो ये जो दोहरी चरित्र है ये भारत में अब किसी की भी चलने वाली नहीं. एक तरफ तुम कहोगे कि भारत से कोई आकर के मार दिया, दूसरी तरफ तुम कहोगे कि तुम्हारे फाइव आई ने और तुम्हारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ भारत के लोगों ने मारा है, तीसरी तरफ तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा उसको साबित करने का, और चौथी तरफ जब तुम हार जाओगे तो तुम कहोगे कि भारत मेरे को कोऑपरेट करे मर्डरर ढूंढने में. तो भाई तुम लॉलीपॉप लेकर बैठे हो मुंह में, हमारे भारत के लोग नहीं लेकर के बैठे हैं, तो तुम चूड़ियां पहन करके बैठो, हमें अपना काम करने दो. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरी दुनिया के जो ब्यूरोक्रेट है वो भी अब जस्टिन ट्रूडो से ना उसको अब एक कॉमेडियन की शक्ल में ले रहे हैं. ऐसे ही है. और बिल्कुल अच्छा, ये हम देखते हैं कि जेनोसाइड हमेशा क्यों रहता है. अभी आप, हमने बांग्लादेश में देखा है जितने हिंदुओं को वहां पे मारा जा रहा है, ठीक है, और उनको कहा जा रहा है कि बांग्लादेश छोड़ें, ठीक है, आप जाएं अपनी कंट्री में, मतलब भारत में जाएं, कहीं पे भी जाएं, इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हम देखने को कर रहे हैं. आखिर क्यों जो है वो एक हिंदू क्यों सफर करता है, हम क्यों देख रहे हैं? इसके लिए भी आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, बहुत सारे इतिहास की किताबें और पन्ने पढ़ने. जेनोसाइड हमेशा से हिंदुओं का ही हुआ है, विक्टिम कार्ड मुसलमानों ने खेला है. अत्याचारित हमेशा से हिंदुओं को ही किया गया है, विक्टिम कार्ड मुसलमानों ने खेला है. चोट हिंदुओं को लगाई गई है और आंसू झूठ का, मगरमच्छ का आंसू बहाया मुसलमानों ने.
ये समझना पड़ेगा। अब आप सोचो कि हम अपने इस्लाम में 1400 साल में घूम कर जाते हैं, तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, क्यों तोड़ रहे थे आप? और एक तरफ हमारे प्रीचर, हमारे इस्लामिक क्लिरिक कहते हैं कि सबसे पहले इस्लाम आया था, तो जब पहले इस्लाम आया था तो फिर ये बुत कहाँ से आए थे और हजरत इब्राहिम उसको क्यों तोड़ रहे थे और कुरान में उसका जिक्र क्यों है? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।